अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तान में मक्कियों के लिए मौसम बहार गुजारने का बेहतरीन जगह बताऊंगा। अगर आपको भी ये जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटा सा दरखास्त है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो नंबर एक पर जगह है वो फोर्ट अब्बास है। फोर्ट अब्बास का नाम शायद आपने सुना होगा। ये बेहतरीन जगह है मौसम बहार का मक्कियों गुजारने के लिए। दोस्तों, ये थोड़ा दूर है लेकिन इसमें सबसे पहले सरसों का फूल आता है और इसके बाद आप और जगह में आप माइग्रेशन कर सकते हैं सरसों के लिए। तो अगर आपको दूर जाना कोई मसला नहीं है तो सबसे पहला नंबर एक पर जो है फोर्ट अब्बास है, और साथ में मुल्तान भी आ सकता है लेकिन मुल्तान थोड़ा नज़दीक है, और इसके बाद जो सबसे बेहतरीन जगह है वो फोर्ट अब्बास है। दोस्तों, दूसरी नंबर पर फैसलाबाद आता है। दोस्तों, फैसलाबाद में एक मसला है कि जब आप माइग्रेशन फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपका मक्का उधर अपने आपस में लड़ने लगती है। तो अगर आप फैसलाबाद में माइग्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको खुराक दे, और ये सबसे पहले खुराक से बढ़ दे, बाद में ये माइग्रेशन आप कर ले। अगर आप उधर खुराक देने का सोच रहे तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। नंबर तीन पर आता है सरगोदा। सरगोदा भी बेहतरीन जगह है लेकिन सरगोदा में आपसे खुराक थोड़ा ज़्यादा खा लेता है। इधर मक्के बहुत अच्छी आती है लेकिन ये है कि साथ में खुराक देना पड़ता है। तो ये भी आप जहन में रख दे कि सरगोदा अच्छी जगह है लेकिन खुराक ज़्यादा मांगता है। नंबर फोर पर आता है चकवाल। चकवाल भी बेहतरीन जगह है लेकिन ये थोड़ा बाद आ जाता है क्योंकि इसका मौसम इतना गर्म नहीं होता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कहा कि फोर्ट अब्बास से आप बाद में जा सकते हैं दूसरी जगह सरसों के लिए, तो अगर आप फोर्ट अब्बास जाते हैं तो बाद में आप चकवाल भी आ सकते हैं। उधर फूल ख़त्म नहीं होता है, बाकी बहुत से फूल होते हैं। उस टाइम आपका दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप चकवाल आ सकते हैं। दोस्तों, आखिरी और नंबर फाइव पर जो आता है वो सवाबी। सवाबी भी अच्छी जगह है लेकिन ये है कि उसका मौसम पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी आता है, तो उसी वजह से उधर मौसम थोड़ा सर्द होता है। बाद में अच्छा होता है लेकिन पास टाइम जो है वो सर्द होता है। तो अगर आपको ये पांच जगह नहीं देखा, सबसे पहले आप सर्वे कर ले, बाद में आप चले जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।